लेकिन जो फिलर्स यूज़ करते हैं उसमें हम फिजिकली इंजेक्ट करते हैं आपके लिप्स के अंदर, तो वो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, लिप्स का वॉल्यूम यानी बड़े हो जाते हैं, लिप्स बड़े हो जाते हैं। तो ये सर्जिकल भी होता है, नॉन सर्जिकल। रक्षा ने बताइए कि पढ़े लिखे लोगों का मॉडलिंग में आना एक अच्छी बात है, तो एक टैबूज है, एक लोगों के जहनों में कुछ होते हैं कि मॉडलिंग या मीडिया जो है ये, मतलब जो भी लोग सोचते हैं उस बारे में, सो व्हाट डू यू थिंक नेटर इन द मीडिया, आपको कैसा लगा इस डॉक्टर प्रोफेशन से, मॉडलिंग प्रोफेशन से? फेशियल आप मर्दों को बहुत लाइट फेशियल्स कराने चाहिए, जैसे हाइड्रा फेशियल होता है। हाइड्रा फेशियल कोई ख़राब चीज़ नहीं है, ये एक क्लेंजिंग प्रोसीजर है जिसमें आपकी डीप क्लेंजिंग हो जाती है, आपका फेस फ्रेश हो जाता है, आपको ग्लो, क्योंकि मर्दों का काम ज़्यादा है ना एक्सपोजर। अच्छा, जो फॉलेज का मरीज होता है उसकी रिकवरी कितने परसेंट हो जाते हैं? मैं ये नहीं कहूँगा 100% है, लेकिन कितने परसेंट हो जाते हैं 6 मंथ के? डिफरेंट तरह की मशीनें हैं लेजर के लिए, जैसे सबसे पहले IPL यूज़ होती थी, उसके बाद डायोड यूज़ होती थी। अब सोप्रानो टाइटेनियम बहुत ज़्यादा इन है मार्केट में, क्योंकि वो उसमें बिल्ट इन कूलिंग सिस्टम होता है, तो लड़कियाँ ज़्यादा प्रेफर करती हैं ताकि पेन फ्री हो जाए। तो आजकल हर चीज़ पेन फ्री चाहिए लोगों को। ये बोटॉक्स जो है उसका बड़ा ट्रेंड चल रहा है, लिप्स कुदरती लिप्स जो है उसको आप लेस लेस कर, मैं इसके अगेंस्ट हूँ, पर्सनली मैं अगेंस्ट हूँ, मेरे भी लोग पसंद करते हैं। क्या है मतलब जो है लेजर हेयर रिमूवर, इसने हेयर फॉलिकल्स को टारगेट करना होता है, ये बॉडी के सेल्स को टारगेट नहीं करती, ये सिर्फ हेयर फॉलिकल्स को टारगेट करती है, उसको डेड करती है वहाँ से, और आपकी हेयर रिडक्शन स्टार्ट हो जाती है। नॉर्मली जो मसल पोल्स होते हैं बाजू में हो गया या टांग पे कुछ हो जाते हैं इशू अक्सर लोगों के चलते चलते, सो उसके लिए भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास ही आना चाहिए। PRP लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है, ये एक परमानेंट सॉल्यूशन है किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि ये है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। हम पेशेंट का ही ब्लड एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसमें से प्लाज्मा निकालते हैं, उसको सेपरेट करते हैं, उसको दोबारा स्किन में इंजेक्ट करते हैं। सो अब ये है कि अगर आपके बोन पतले हैं, आप चाहते हैं कि उनका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए, बड़े हो जाए, तो आप फिलर करा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, फरहान खान पॉडकास्ट में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। वल जनाब, आपको बताते चलें कि बहुत से मिसकंसेप्शंस होते हैं सेहत के हवाले से, डॉक्टर्स के हवाले से, और अक्सर हम जब तकलीफ़ में होते हैं, दर्द में होते हैं, हम सोच रहे होते हैं किस डॉक्टर के पास, और रेलेवेंट डॉक्टर ढूँढना जो है ना वो सबसे एक मुश्किल महाज होता है ऑफकोर्स लोगों के लिए। अच्छा, ये मिसकंसेप्शंस को आज दूर करने के लिए, और एक बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी पर्सनैलिटी हमारे साथ हैं, बाय प्रोफेशन ऑफ कोर्स डॉक्टर हैं, और इसके अलावा बहुत सी आपकी क्वालिटीज़ भी हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। बिल्कुल जनाब, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर नाज़िस मुश्ताक हैं, आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं, और इसके साथ साथ एस्थेटिक के ऊपर भी आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, और मॉडलिंग भी करती हैं। कैसी हैं डॉक्टर साहब? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि पढ़े लिखे लोगों का मॉडलिंग में आना एक अच्छी बात है, सो एक टैबूज हैं, एक लोगों के जहनों में कुछ होते हैं कि मॉडलिंग या मीडिया जो है ये, मतलब जो भी लोग सोचते हैं उस बारे में, सो व्हाट डू यू थिंक नेटर इन द मीडिया, आपको कैसा लगा इस डॉक्टर प्रोफेशन से, मॉडलिंग के प्रोफेशन? देखिए, हर चीज़ के पर्सपेक्टिव्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, तो आप पे डिपेंड करता है आप उसको किस तरह यूज़ कर रहे हैं। मॉडलिंग कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन ये है कि आप अपनी एक लिमिट में रह के उसको यूज करें, यूटिलाइज करें, अच्छा प्लेटफॉर्म है, और ये सब डिपेंड करता है इंटरेस्ट पे। अगर आपका इंटरेस्ट है तो फिर आप जरूर करें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, वो जो मिसकंसेप्शंस लोगों के जहनों में होते हैं कि जी नहीं, ये फील्ड इतनी अच्छी नहीं है, यहाँ पे अच्छे लोग नहीं है, तो आपने कैसा पाया इस फील्ड को? अभी तक तो मैंने बहुत अच्छा पाया है, अभी तक तो ऐसा कोई मेरा नहीं, कोई एक्सपोजर गलत लोगों से या इस तरह का कोई नहीं हुआ एक्सपीरियंस गलत, लेकिन ये है कि आगे आगे देखें क्या। लेकिन ये अपने पे डिपेंड करता है ना इंसान की पर्सनालिटी पे, कि आप किस तरह अपनी लेगेसी को, अपने जो एक लाइफ है उसको लेके चलते हैं, डिपेंड ऑन पर्सनालिटी। अच्छा, थोड़ा सा जारी पता, मेडिकल फील्ड तो एक डिफ़िकल्ट फील्ड है, उसके अंदर पढ़ना पड़ता है, मुश्किल मोटी मोटी किताबें पकड़नी पड़ती हैं, तो इसमें आपको यू नो यू हैव टू बी कैरी योर सेल्फ, बड़ा आपको स्लिम स्मार्ट, और रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा है, तो वो रिक्वायरमेंट ज़्यादा है कि ये वाली रिक्वायरमेंट ज़्यादा नज़र आती है? ये अल्लाह की तरफ से है कि मैं, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, ये मेरे लिए बहुत बेनिफिट है, मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, अपने फिटनेस का ख्याल मैं खुद रखती हूँ। अच्छा, तो जो है अभी जो फिजीक है, मुझे बेसिकली DM किया था उन्होंने,
जो पेज है मॉडलिंग का जिसके लिए मैं अभी शूट कर रही हूँ, तो उन्होंने डीएम किया था, उन्होंने यही कहा कि हमें आपकी लुक्स, आपकी फिजिक और आपकी हाइट अच्छी लगी है. तो फिर मुझे तब मुझे तो ये रियलाइज हुआ कि ये चीजें रिक्वायरमेंट होती हैं उनकी, कि ये चीजें होनी चाहिए. तो ये अल्लाह की तरफ से है, बेनिफिट था मेरे पास. यानी कुदरती जो इंसान को अगर अल्लाह ताला अता कर दे तो वो भी है, लेकिन मेंटेन भी तो करना पड़ता है ना. वक्त के साथ साथ चीज़ों को मेंटेन करना बहुत जरूरी है. अच्छा, फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो अपने आप को मेंटेन ज़्यादा बेहतर तरीके से रखता है, रख सकते हैं, क्योंकि हमारी स्पेशलिटी है ना, हमें पता है कौन सा मसल क्या काम कर रहा है, किस मसल की क्या रिक्वायरमेंट है. सो अगर हम फिजियोथेरेपिस्ट होकर भी खुद को मेंटेन ना रखें तो फिर ये तो बहुत नाइंसाफी. देख लें, जितने भी फिजियोथेरेपिस्ट दोस्त देख रहे हैं इस वक्त, आप देख लें, डॉक्टर साहब कह रही हैं कि अगर आप लोग अपने आप को स्मार्ट नहीं रखेंगे तो ये आप अपने साथ ज्यादा करेंगे. और आप लोगों को पता होता है कैसे आपने मेंटेन रखना है, बहुत डीप एनाटॉमी, बहुत डीप फिजियोलॉजी, हर चीज बायोमैकेनिक्स के बारे में पता होता है, तो इजी होता है हमारे लिए खुद को मेंटेन रखना. लेकिन लोग नहीं भी रखते, आपको पता है, खुद की बात आए ना तो हम खुद पे वो चीजें अप्लाई नहीं कर सकते जो हम पेशेंट पे करते हैं, लेकिन फिर भी कर लेते हैं. अगर कुछ हो जाए किसी चीज बॉडी की, किसी मसल को जरूरत है किसी चीज की, तो वो हम कर सकते हैं. अच्छा, लोगों का जो परसेप्शंस होते हैं, लोगों की जो बातें होती हैं, यू नो यू हैव टू फेस सो मेनी थिंग्स एज ए डॉक्टर. आपको प्रोफेशन एक डिफरेंट है, मॉडलिंग इज प्रोफेशन इज अ डिफरेंट. सो यू यू थिंक हमें थोड़ा लोगों का इतनी केयर करनी चाहिए और लोग क्या कहेंगे? अब हम तो हर जिंदगी के मोड़ पे ये सुनते हैं, लोग क्या कहेंगे. कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. छोड़ो बेकार की बातों में, ये उनको कहने दे, ये उनका काम है, करने दे, हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, कोई मसला नहीं. दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात है जी. आप अपने पैशन को मत छोड़िए, प्रोफेशन को भी मत छोड़िए. अच्छा, फिजियोथेरेपिस्ट जो होता है, बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि जी हमने फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना है. किसी मसल को पुल हो गया, कोई प्रॉब्लम आ गई है, कहते चलो जी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ढूंढो. सो क्या वजह है कि लोग अभी तक, लोगों के पास वो सेंस नहीं आए कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी जाना है. फिजियोथेरेपी फील्ड की अवेयरनेस भी बहुत कम है. उसकी बड़ी वजह ये है कि हमारे जो मेडिकल फील्ड है उसमें लैक, वो इस चीज़ में लैक करती है कि यहाँ पर रेफरल सिस्टम नहीं है. ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट है, ठीक है, सबसे पहले वो ऑर्थोपेडिक के पास गया, उसने अपनी कंसल्टेंसी के अकॉर्डिंग उसको ट्रीट किया, लेकिन उसको रेफर करना चाहिए फिजियोथेरेपिस्ट के पास, जो कि एक कंसर्न्ड डिपार्टमेंट है उसका. ठीक है, अब सपोज करें किसी पेशेंट को फ्रैक्चर हो गया, तो पोस्ट ऑफ फिजियोथेरेपी जरूरी ही है. ये कंसल्टेंट को भी पता है, ये पेशेंट को भी, पेशेंट को तो नहीं पता है, लेकिन कंसल्टेंट को तो पता है ना कि पोस्ट ऑफ फिजियोथेरेपी कितनी जरूरी है. लेकिन पेशेंट वो रेफर ही नहीं करना चाहते, वो खुद से ही कोई तजवीज करदा 4-5 एक्सरसाइजेस बता देते हैं. इवन मैंने ये भी देखा है कि उन्होंने कोई गैजेट्स के नाम रखे हैं जो हमारी मोडालिटीज हैं, जो हमारी स्पेशलिटी है, वो ये मेंशन करके देते हैं कि ये वाली मशीन इनको लगा दें, ये वाली मशीन लगा दें, ये वाली मशीन लगा दें. अगर ये भी आप हमें बताओगे ये मशीनें लगा दें, तो फिर हम क्या करेंगे? 5 साल हमने क्या किया? अच्छा, वो सजेस्ट करते हैं, वो सजेस्ट करते हैं. ऐसे बहुत से केसेस मैंने देखे हैं जब पेशेंट रेफर होके आता है ना, तो उन्होंने लिखा होता है कि इनको ये वाली मशीन लगा दें, टेंस लगा दें, ईएमएस लगा दें, हीटिंग पैड लगा दें. ये तो हम डिसाइड करेंगे ना, आपने तो अपना काम कर लिया, आपने कंसल्ट करना था, आपने सर्जरी करनी थी, आपने वो कर लिया. अब पोस्ट ऑफ फिजियो हमारा डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसको कैसे डील करना है ये हमारा काम है. हम डिसाइड करेंगे कि उसको किस मोडालिटी की जरूरत है, हम डिसाइड करेंगे उसको कौन सा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल चाहिए, उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए. उसके फेजेस होते हैं पोस्ट ऑफ फिजियोथेरेपी के, उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसको लेकर. अच्छा, एक तो आप लोगों के पास सर्जरी वाले लोग आते हैं, सर्जरी के बाद डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि फिजियो. नॉर्मली जो मसल पुल्स होते हैं, बाजू में हो गया या टांग पे कुछ हो जाते हैं इश्यूज अक्सर लोगों के चलते चलते, सो उसके लिए भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास ही आना चाहिए. हाँ, आ सकते हैं, क्योंकि आजकल सीजनल स्टिफनेस बहुत चल रही है, सर्दी का मौसम है, डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, तो पेशेंट बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं मसल स्टिफनेस की. ऐसे लगता है क्रैम्प्स आ रहे हैं, और ये होता भी है नॉर्मली, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहे होते हैं, हाइड्रेशन पूरी नहीं है, क्रैम्प्स के वो कंप्लेंस आ रही होती है, मसल स्टिफनेस की कंप्लेंस आ रही होती है, मॉर्निंग स्टिफनेस बहुत ज़्यादा हो रही होती है. तो जो लोग इस चीज़ से अवेयर हैं वो आते हैं, वो डायरेक्ट फिजियोथेरेपी के पास ही आते हैं, और हम लोग इसकी इन कंप्लेंट्स को दूर भी करते हैं. ठीक है, अगर कंप्लेन ना भी हो तो वैसे भी आप फिजियोथेरेपिस्ट से ट्रीटमेंट ले सकते हैं. वैसे भी ये फिटनेस के लिए बहुत अच्छा है, अब तो वेट लॉस थेरेपीज इवन चलती हैं हमारी. अच्छा, फिटनेस ट्रेनिंग्स चलती हैं. देखें, ये जो
बीमारी की सूरत पे फिजियोथेरेपिस्ट के पास आना ये सिर्फ मेरे ख्याल से हमारे मुल्क का ही एक रिवाज है। यही सवाल मैं करना चाह रहा था। बाहर के मुल्कों में अगर आप देखें तो वो प्रॉपर फिटनेस ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे लोग फिजियोथेरेपिस्ट हैं, वहाँ पे लोग मेडिसिन पे रिलाई नहीं करते, वो अपनी बॉडी को इतना फिट रखते हैं सिर्फ फिजियोथेरेपी की मदद से। वहाँ प्रॉपर ट्रेनिंग ट्रेनर्स होते हैं, उनके सेंटर्स बहुत अच्छे हैं। अगर आप देखें तो एक लाविश सेंटर होते हैं वहाँ पे, जहाँ पे वो अपनी फिटनेस का, अपनी ट्रेनिंग्स का ख्याल रखते हैं। ये सब, ये तो पाकिस्तान में है ना कि हमें कोई मसला होगा, जब तकलीफ होगी, दर्द होगी, फिर ही डॉक्टर के पास जाएंगे। अच्छा, थोड़ा सा ये भी होता है, और फिर लोगों को पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे इकोनॉमिक क्रंच भी चल रहा है, लोगों को मौशी तौर पे भी बड़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। हम जब बहुत तकलीफ में एंड पे पहुँच जाते हैं, फिर हम कहते हैं अच्छा अब डॉक्टर के पास जाएँ। सो फिजियोथेरेपिस्ट जो है इकोनॉमिकली कितना वो जेब को भारी पड़ता है एज कम्पेयर टू दूसरे डॉक्टर से? फिजियोथेरेपिस्ट भारी पड़ता है इन केस कि आपको कोई ऐसी कंडीशन ना हो गई हो जिसके लिए आपको लॉन्ग टर्म फिजियोथेरेपी चाहिए। ठीक है, जैसे कि लाइक फॉर एग्जांपल फ्रोजन शोल्डर है, फ्रोजन शोल्डर अगर थर्ड स्टेज पे है तो उसकी जो इंटरवेंशन है या उसका जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो 6 मंथ्स तक चलता है। अच्छा, हाँ, तो वो स्टेजेस पर डिपेंड करता है ना, अगर थर्ड स्टेज है पर 6 मंथ्स तक चलेगा, अगर सेकंड स्टेज है तो ड्यूरेशन कम कम होता जाता है। इसी तरह अगर स्ट्रोक के पेशेंट की हम बात करें, स्ट्रोक का पेशेंट सालों साल फिजियोथेरेपी लेता है। ठीक है, स्ट्रोक क्योंकि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है उसको बहुत लंबी फिजियोथेरेपी चाहिए होती है। अच्छा, तो वो थोड़ा सा इकोनॉमिक बजट आता है, लेकिन ये भी मैं क्लियर कर दूँ कि स्ट्रोक का पेशेंट फिजियोथेरेपी के बगैर ट्रीट नहीं हो सकता। कंसल्टेंट जो होता है वो उसको मेडिकेशन कर सकता है, लाइक फॉर एग्जांपल इस्कीमिक स्ट्रोक है या हेमरेजिक स्ट्रोक है, उसके अकॉर्डिंग वो ट्रीटमेंट प्लान तो देगा, लेकिन जो स्ट्रोक की रिहैबिलिटेशन है वो फिजियोथेरेपिस्ट के बगैर नहीं हो सकती। तो वो फिर लंबा चलता है पेशेंट, लेकिन ये है कि हम फिर प्लान कर लेते हैं ना, उनके साथ सेशंस प्लान हो जाते हैं, कितने महीने में हम आपको इतने सेशंस देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग पर ये अच्छा, स्ट्रोक से मुराद आप फॉलिज का जो मरीज होता है, ठीक है ना, जिसको फॉलिज हो जाता है एक साइड का हो गया, राइट या लेफ्ट साइड का। अच्छा, जो फॉलिज का मरीज होता है उसकी रिकवरी कितने परसेंट हो जाते हैं? मैं ये नहीं कहूँगा 100% है, लेकिन कितने परसेंट हो जाते हैं 6 मंथ के अंदर? 6 मंथ्स के अंदर हम ये मेंशन नहीं कर सकते कि स्ट्रोक का पेशेंट इतने मंथ्स में रिकवर हो जाएगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है उसकी कंडीशन पे, उसके पैरालिसिस पे, किस तरह का पैरालिसिस है, कितनी साइड्स इन्वॉल्व हैं, कितने लिम्ब इन्वॉल्व हैं, और ब्रेन कितना डैमेज है। बेसिकली स्ट्रोक क्या होता है, ये ब्रेन का अटैक होता है। जब ब्रेन का अटैक होता है तो ब्रेन जिन मसल्स को या जिन एरियाज को बॉडी के कंट्रोल कर रहा होता है वो एरियाज अफेक्टेड हो जाते हैं। तो जब तक ये ब्रेन रिकवर नहीं होगा तब तक वो बॉडी के पार्ट्स रिकवर। ब्रेन की ट्रीटमेंट अलग लेनी है, वो न्यूरोलॉजिकल कंसल्टेंट ब्रेन को ट्रीट कर रहा होता है और हम उसकी रिहैबिलिटेशन पे काम कर रहे होते हैं। बेसिकली होता तो ये टीम अप है, टीम वर्क होता है मेडिकल फील्ड में भी, अगर वो अलग बात है, लोग करते नहीं है यहाँ पे, स्पेशली पाकिस्तान में थोड़ा सा, हाँ, दो दो तीन तीन डॉक्टर्स को कंसल्ट करना, तो वो ये चल रहा होता है कि वो कंसल्टेंट से होकर आया होता है, वहाँ से उसका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा होता है और हम उसकी रिहैबिलिटेशन। आप एस्थेटिक में भी एक्सपर्टीज है आपकी, आप उसमें भी आ गई है, सो ये थोड़ा सा डिफरेंट नहीं है आपके फील्ड से, फिजियोथेरेपी से एस्थेटिक के अंदर? एस्थेटिक के अंदर भी एक बड़ी वास्ट है, बहुत चीजें जो आप कर रही हैं, डिफरेंट बहुत है, लेकिन ये है कि एस्थेटिक्स के अंदर भी फिजियोथेरेपी का रोल है। अच्छा, इन व्हाट सेंस कि अगर हम देखें जो सर्जरीज होती हैं एस्थेटिक्स में, जैसे लाइपोसक्शन सर्जरी है, तो लाइपोसक्शन के बाद जो पोस्ट ऑपरेटिव स्टिफनेस हो जाती है उसको रिलीज करने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए होते हैं। अच्छा, बहुत ही एस्थेटिक्स में ऐसी कंडीशंस हैं जिनके बाद फिजियोथेरेपी रिक्वायर्ड होती है। तो अब ये ऐसा हो रहा है कि ये बड़ा अच्छा स्टेप भी है कि इन्होंने थोड़ा सा मिक्सअप किया है, टीम अप किया है चीज़ों को, एस्थेटिक्स वाले फिजियोथेरेपिस्ट को हायर करना शुरू हुए हैं। तो मैं भी ऐसे ही एक एस्थेटिक क्लिनिक में फिजियोथेरेपिस्ट के तौर पर हायर हुई थी। नाम ही ले सकती हैं, मैं कोई इशू अच्छा, अब उन्हीं के साथ कंटिन्यू कर रही हैं? हाँ, नहीं नहीं, उनके साथ नहीं कर रही, अच्छा, वो फिर मैंने चेंज कर लिया। तो वहाँ पे ये हुआ कि मेरा वो फर्स्ट टाइम था जब मुझे पता चला कि एस्थेटिक्स क्या है। उससे पहले तक मुझे नहीं पता था एस्थेटिक्स क्या होता है, मैंने इवन सुना भी नहीं हुआ था। अच्छा, तो वहाँ पे जब मैंने देखा तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और मुझे लगता है कि मेडिकल स्टूडेंट बहुत जल्दी एक्सप्लोर करते हैं, कोई लर्नर्स होते हैं, तो वो फिर मैंने देखा वहाँ पे, मुझे अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा, सो मैंने इसको परसी किया, फिर मेरी सर्टिफिकेशंस की इसमें। अच्छा, आपने सर्टिफिकेशन भी की इसमें? फिर मैंने सर्टिफिकेट, क्योंकि वैसे तो नहीं हम प्रैक्टिस कर सकते ना, तो मैल प्रैक्टिस के जिम्मे में आ जाती है। सो फिर मैंने सर्टिफिकेशन की प्रॉपर, फिर मैं इसको चैनल के थ्रू लेके चली। अब फिर मैंने वो क्लिनिक तो खैर मैंने छोड़ दिया, उसके बाद दोबारा मैं एस्थेटिक क्लिनिक में हायर हुई, वहाँ पे मैं दोनों सर्विसेज दे रही हूँ, एस्थेटिक्स भी और फिजियोथेरेपी। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा, एस्थेटिक के अंदर
ऑफ कोर्स बहुत, मैंने बताया इसमें बहुत चीज़ें आ जाती हैं। आप लेज़र जी, लेज़र के हवाले से थोड़ा सा लोगों का ये भी थोड़ी मिसकंसेप्शन है कि लेज़र इज़ डेंजरस फॉर हेल्थ। उसकी जो होती है ना, जब आप लेज़र करवा लें खासतौर पर चेहरे का जो लेज़र होता है, तो ये कितना ख़तरनाक होता है चेहरे के लिए लेज़र खास। अच्छा, ये हमने ना लेज़र सुना हुआ है पुराने टाइप का लेज़र जो शायद कैंसर के टाइम पे या कैंसर पेशेंट्स में यूज़ होता था, हमने वो लेज़र सुना हुआ है। तो लोगों के माइंड में जब ये लेज़र हेयर रिमूवल स्टार्ट हुआ था तो वो लोग मिक्सअप कर रहे थे चीज़ों को कि शायद ये उस तरह का लेज़र है, क्योंकि हमने लेज़र बीम्स के बारे में सुना था जो जो पत्थरी टाइप है उसको तोड़ती हैं और ये करती हैं या कैंसर का ट्रीटमेंट करती हैं, तो लोग उसके साथ इसको इंटरलिंक करते हैं। वो टोटल डिफरेंट चीज़ें हैं। ये जो है लेज़र हेयर रिमूवल, इसने हेयर फॉलिकल्स को टारगेट करना होता है, ये बॉडी के सेल्स को टारगेट नहीं करती। अच्छा। ये सिर्फ हेयर फॉलिकल्स को टारगेट करती है, उसको डेड करती है वहाँ से और आपकी हेयर रिडक्शन स्टार्ट हो जाती है। ओके। ये बिल्कुल सेफ प्रोसीजर है, आप इसको करवा सकते हैं। और कितना इफेक्टिव है? बहुत इफेक्टिव। बेसिकली लेज़र हेयर रिमूवल नहीं है, हेयर रिडक्शन है, क्योंकि ये तो नेचुरल प्रोसेस है ना हमारी बॉडी पे बाल ग्रो करना। तो 99% तक रिडक्शन हो जाती है, 1% तक कभी कोई ना कोई हेयर फॉलिकल एक्टिव रह जाता है और वो फिर भी बाल। और ये हेयर रिमूवल जो प्रोसीजर है, कितना टाइम रिक्वायर होता है इसके लिए? टाइम, इसके जो टाइम गैप होता है ना दो सिटिंग्स के बीच में, वो 1 month का गैप होता है। Okay. वैसे ही जब आप सिटिंग लेने के लिए आते हैं तो एरिया पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा एरिया ले रहे हैं। फेस का एरिया अगर हम टारगेट कर रहे हैं तो पहले हम शेविंग करते हैं, उसको रूट्स को एक्सपोज करते हैं। ये भी मशीन टू मशीन वेरी करता है। कुछ मशीन के लिए हमें जो रूट्स को एक्सपोज करना पड़ता है, कुछ लेज़र मशीन्स हैं जिनके लिए रूट्स को एक्सपोज नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट बाल को टारगेट करते हैं। तो ये मशीन टू मशीन वेरी करता है। तो अगर हमारे पास हम ऐसी मशीन है जो रूट को टारगेट करती है, उसके लिए फिर हम शेविंग करते हैं, उसके बाद जेल अप्लाई करते हैं, उसके बाद लेज़र अप्लाई करते हैं। मशीन से क्या मुराद आप कह रही हैं कि डिफरेंट तरह की मशीनें हैं लेज़र के लिए? जैसे सबसे पहले IPL यूज़ होती थी, उसके बाद डायोड यूज़ होती थी, अब सोप्रानो टाइटेनियम बहुत ज़्यादा इन है मार्केट में, क्योंकि वो उसमें बिल्ट इन कूलिंग सिस्टम होता है तो लड़कियां ज़्यादा प्रेफर करती हैं ताकि पेन फ्री हो जाए। तो आजकल हर चीज़ पेन फ्री चाहिए लोगों को। सो इस तरह ये मशीन तो कोई भी नहीं चाहता ना। बट नो पेन नो गेन। अच्छा डॉक्टर भाई, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूँ। ये बोटॉक्स जो है आजकल उसका बड़ा ट्रेंड चला हुआ है कि अपने लिप्स जो हैं कुदरती लिप्स जो है ना उसको आप तहस नहस करते हैं। मैं इसके अगेंस्ट हूँ, पर्सनली मैं अगेंस्ट हूँ, मे भी लोग पसंद करते हैं। क्या है मतलब ये क्या होता है? जो लिप्स के लिए कराते हैं वो फिलर्स होते हैं। सॉरी फिलर्स, हाँ फिलर्स। बोटॉक्स भी होते हैं, वो लिप फ्लिप के लिए यूज करते हैं हम, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे साइज। हाँ, उसमें ये होता है कि अगर आप फिलर ऐड नहीं कराना चाह रहे, आप वैसे ही चाह रहे हैं कि थोड़ी सी उसकी अपेयरेंस ऐसी हो जाए कि वो थोड़े फुलर अपेयरेंस दें, तो उसके लिए फिर बोटॉक्स यूज़ करते हैं, उसको लिप फ्लिप कहते हैं। लेकिन जो फिलर्स यूज़ करते हैं उसमें हम फिजिकली इंजेक्ट करते हैं आपके लिप्स के अंदर, तो वो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, लिप्स का वॉल्यूम यानी बड़े हो जाते हैं, लिप्स बड़े हो जाते हैं। तो ये सर्जिकल भी होता है, नॉन सर्जिकल भी होता है। सर्जिकल तो ज़ाहिर है सर्जरी के थ्रू आपको गुजरना पड़ता है, और नॉन सर्जिकल में फिलर्स यूज़ होते हैं। उसमें ये होता है कि अगर गलत भी हो जाए खुदा ना खास्ता, तो वो हम उसको डाइल्यूट करके तो निकाल भी सकते हैं। तो ये थोड़ा नॉन सर्जिकल का ये फ़ायदा है। आर्टिफिशियल होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं, कुछ टाइम होता है इनका, फिलर्स का टाइम होता है, उतने टाइम उसने स्टे करना है, उसके बाद खत्म हो जाता है। ये पूरी दुनिया के अंदर ट्रेंड चल रहा है कि अपने लिप्स या उनके साइज का साइज बड़ा कर देना। अब एक वक्त होता था ये कहते थे कि जी होंठ जो है ना वो सुरीले होंठ होने चाहिए, पतले होने चाहिए। अब होंठ होंठों के ऊपर ये हो गया कि बड़े होंठ होने चाहिए। पता नहीं क्यों, जब से ये सेल्फी सिस्टम और पाउच सिस्टम आया है तब से ये सारा चल रहा है लोगों का। सो अब ये है कि अगर आपके होंठ पतले हैं, आप चाहते हैं कि उनका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए, बड़े हो जाएं, तो आप फिलर करा सकते हैं, अदरवाइज नहीं कराएं। फिलर आर्टिफिशियल आप कह रहे हैं, आर्टिफिशियल खत्म हो सकता है, आर्टिफिशियल है, टेंपरेरी है, इसका टाइम होता है 1 year या 1.5 year तक ये स्टे करेंगे, उसके बाद वो डिपेंड करता है। और जो बोटॉक्स है वो इट्स अ सर्जरी? नहीं, बोटॉक्स भी टेंपरेरी सॉल्यूशन है। अच्छा, बोटॉक्स भी टेंपरेरी है, उसका भी फिलर की तरह टाइम होता है, उसने भी स्टे करना होता है 9 months तक या 1 year तक, वो भी डिपेंड करता है कौन सी क्वालिटी का बोटॉक्स यूज़ करें। यानी मैं अपने लफ्जों में अगर इसको कहूँ कि अपने होंठों के अगर मैं तहस नहस करना है, तबाह बर्बाद करना है, कुदरत की अता करता नियमतें, अल्लाह ताला की अता करता आपकी शक्ल सूरत, अगर आपने उसको बिगाड़ना है तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन डॉक्टर रिकमेंड करते हैं आपको, वैसे करा आपकी अपनी चॉइस है, अपनी चॉइस है। ये भी मैं क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं होता कि आपका कोई ठीक बॉडी स्ट्रक्चर था, आप उसको करवाएं और वो ख़राब करें उसको, ऐसा नहीं होता। समटाइम्स ये होता है कि कोई चीज़ थी, उसने आपको इफेक्ट किया, वो आपकी बॉडी का शेप ख़राब कर रही है,
तो उसको ठीक करने के लिए भी आप इसको कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम बोटॉक्स की बात करें, तो अगर जो लोग बहुत ज़्यादा फ्राउन करते हैं उनकी यहाँ पे लाइंस बन जाती हैं, ठीक है, कुछ लोगों को आदतन ये जी, वो होता है, आदत होती है, रिंकल्स बन जाती हैं, 11 लाइंस उनको कहते हैं, ये बन जाती हैं. अगर हम वो अच्छी नहीं लगती टाइम के बाद, फॉर एग्जाम्पल किसी की शादी है, वो चाहते हैं कि इसको ठीक किया जाए, तो वो बोटॉक्स करा सकते हैं. इसका बेनिफिट भी है, ऐसा अच्छा, नहीं है अच्छा, कि आप उसको सिर्फ लिप्स के साथ नहीं, और भी आप गलत चीज़ों के लिए यूज़ करें इसका. और फिर फिलर्स दैट फॉर एग्जाम्पल किसी को एक्नी स्कार्स हो गए, एक्नी के बाद जो डेंट छूट जाते हैं स्किन पे, वो बॉदर नहीं करते लोग ऑब्वियसली, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी आप फिलर्स यूज कर सकते हैं, या और डिफरेंट ठीक है उसके ट्रीटमेंट, अच्छे ट्रीटमेंट भी हैं, अच्छे ट्रीटमेंट्स भी हैं, आप इसको अच्छे तरीकों से भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, पर्पसेस भी हैं. अच्छा एस्थेटिक वाले लोग, जब आप किसी को देखती हैं तो आप चेहरे के ऊपर क्या नोट करते हैं, आप लोग गौर करते हैं? जैसे एक शायर होता है, शायर देखता है किसी खातून को देखता है तो उसके अंदर एक रोमांटिज्म आ जाता है, एक अजीब सी कैफियत आ जाती है. हाँ, हम लोग भी एस्थेटिकली हम लोगों को देखना शुरू होता है ना, होता है ऐसे. पहले तो ये होता था फिजियोथेरेपिस्ट की नज़र से हम लोग पेशेंट को देखते हैं कि इसकी गेट कैसी है, इसका पोस्चर कैसा है, इसकी कोई एसिमेट्री तो नहीं आ रही, वॉक तो ठीक अबनॉर्मल नहीं है, वॉकिंग पैटर्न ठीक है, सिटिंग पोस्चर ठीक है. डॉक्टर भी यही काम करते रहते हैं. ये वो पता नहीं, अब ऐसी आदत हो गई है ना हमें, क्योंकि ऐसे ऑब्जर्व करते हैं हम लोगों को. तो पहले तो हम ये देखते हैं, फिर जब शक्ल नज़र पे जब नज़र पड़ती है, तो फिर हम देखते हैं कि क्या मसला है, रिंकल्स तो नहीं आ रहे, बाल तो नहीं है, रिंकल्स तो नहीं है, मिलाज़मा तो नहीं है, ये तो इनको ये चीज़ करानी चाहिए, इनको इस चीज़ की ज़रूरत है. तो हम लोग, इवन मेरे कलीग्स हैं, हम लोग जब बाहर जा रहे होते हैं, हम लोग बाहर भी औरतों के ही नोट कर रहे हैं, इसको इस चीज़ की ज़रूरत, इसको इस चीज़ की ज़रूरत है. आप रोक रोक के बताया करेंगे जी, आपके रिंकल्स बहुत आ गए, बस हम रोक नहीं सकते. वरना हम ज़रूर ये करते हैं, ऐसा होता है, नोट करते हैं, नोट करते हैं, गौर करते हैं चेहरे को, चाल को, ढाल को. और जिसकी जो फील्ड होती है वो अपनी फील्ड के मुताबिक चीज़ों को ऐसे ही देखता है, वही करता है. अच्छा, PRP प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, ठीक है, ये मुझे बताएं जो PRP है, ये इफेक्टिव सॉल्यूशन है, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है कि टेंपरेरी सॉल्यूशन है? PRP लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है, ये एक परमानेंट सॉल्यूशन है किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि ये है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा. हम पेशेंट का ही ब्लड एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसमें से प्लाज्मा निकालते हैं, उसको सेपरेट करते हैं, उसको दोबारा स्किन में इंजेक्ट करते हैं. PRP डिफरेंट पर्पसेस के लिए होती है, जैसे फेस के लिए PRP है, हेयर के लिए PRP है. इसमें क्या होता है कि प्लाज्मा के अंदर कोलेजन होता है जो ग्रोथ फैक्टर है, ठीक है, ग्रोथ फैक्टर, वो आपकी स्किन सेल्स की रीजनरेशन में हेल्प करता है. जो स्किन सेल्स डेड हुए होते हैं या स्किन की रीजनरेशन नहीं हो रही होती, हीलिंग आपकी स्लो हुई भी है, वो रीजनरेशन में हेल्प करता है. राइट, तो ये एक परमानेंट सॉल्यूशन है, लेकिन अगर आप नंबर ऑफ सिटिंग्स ले रहे हैं इसकी रिक्वायर्ड, मतलब कितनी सिटिंग्स रिक्वायर्ड, डिपेंड करता है कि आप किस प्रॉब्लम के लिए ले रहे हैं. ठीक है, तो उस मतलब इट इज हां, ये इफेक्टिव है. अब तो इवन PRP इतनी इफेक्टिव है कि इसको फिजियोथेरेपी में भी लोग यूज़ कर रहे हैं, ऑर्थोपेडिक में भी यूज़ कर रहे हैं. अच्छा, इसको जॉइंट्स के अंदर पेन्स के लिए, पेन के लिए लगाते हैं, जॉइंट PRP भी करते हैं. इसी तरह हम सैंपल लेते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, उसमें से प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट करते हैं. जैसे किसी टाइम पे स्टीरॉयडल इंजेक्शन लगते थे, इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शन लगते थे, अब इसी तरह PRP इंजेक्शन लगते हैं जॉइंट में. तो वो उस जगह पे जाता है जहाँ पे इफेक्टिव, फर्स्ट करें हमारा नी जॉइंट इफेक्टेड है, उसका कार्टिलेज डैमेज हो गया, ठीक है, कार्टिलेज के जो सेल्स हैं वो रीग्रो नहीं कर रहे टाइम के साथ, वहाँ पे हम PRP इंजेक्ट करते हैं और उससे रीजनरेशन में हेल्प होती है. ठीक है. अच्छा, नॉर्मली ख्वातीन में तो ये हेयर ट्रेंड मर्दों में नहीं होता, फेशियल का मर्दों में नहीं होता, आपकी सोच है. अच्छा, मैंने याद, मैंने लास्ट टाइम कब करवाया, लेकिन ये है कि फेशियल जो है उसका एक ट्रेंड है. सो किस तरह का फेशियल करवाना चाहिए, कौन सा फेशियल जो है बेनिफिशियल है? फेशियल आप मर्दों को बहुत लाइट फेशियल्स कराने चाहिए, जैसे हाइड्रा फेशियल होता है. हाइड्रा फेशियल कोई ख़राब चीज़ नहीं है, ये एक क्लेंजिंग प्रोसीजर है जिसमें आपकी डीप क्लेंजिंग हो जाती है, आपका फेस फ्रेश हो जाता है, आपको ग्लो, क्योंकि मर्दों का काम ज़्यादा है ना, एक्सपोजर ज़्यादा, बाहर निकलना है ज़्यादा, पोल्यूशन के साथ इंट्रैक्शन ज़्यादा होता है, तो उनके पोर्स क्लॉग हो जाते हैं, स्किन उनकी क्लीन नहीं रहती. तो डीप क्लेंजिंग के लिए हाइड्रा फेशियल की तरफ जाना चाहिए. हाइड्रा फेशियल, हाँ, उसमें क्या होता है? उसमें वो सक्शन होती है,
फिर डिफरेंट स्टेप्स होते हैं जिसमें एक्सफोलिएशन है, फिर अल्ट्रासोनिक है, रेडियो फ्रिक्वेंसी है, आइसिंग है, और एंड पे एलईडी मास्क होता है, सीरम्स वगैरह यूज होते हैं. अच्छा, इसमें भी ये चीज़ मैटर करती है कि आप फेशियल करवा रहे हैं, नॉर्मली हेयर ड्रेसर से लोग करवा रहे होते हैं, तो हेल्दी कितना है और अच्छा ये जो सैलून से या हेयर ड्रेसर से जो फेशियल कराते हैं. अच्छा, अब फेशियल को लोगों ने एक वाइटनिंग प्रोसीजर समझा हुआ है, एक वाइटनिंग ट्रीटमेंट, कि हम फेशियल कराएंगे हम गोरे हो जाएंगे. बेसिकली वो गोरे नहीं हो रहे होते, वो स्किन की जो अपर लेयर है वो उसको डैमेज कर देते हैं, उसको आप समझ लें कि वो एक तरह से एक्सफोलिएट कर देते हैं. उसके अंदर होता है मर्करी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वो उस टाइम पे तो आपकी स्किन को बहुत क्लीन कर देगा. ओके. लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद स्किन के अंदर मेलानिन की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है, क्योंकि अपर लेयर तो उड़ा दी ना फेशियल ने. राइट. तो वो मेलानिन की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, उससे मेलास्मा बनता है, छाइयां, रिंकल्स, फ्रेकल्स, फ्रेकल्स जिसको कहते हैं, हाइपरपिगमेंटेशन या छाइयां, वो बनना स्टार्ट हो जाती है. आप अक्सर देखें जो लोग सैलॉन्स की क्रीम्स यूज करते हैं, जो खवातीन इवन मर्द भी यूज करते हैं, उस एक टाइम के बाद उनके फेस पे छाइयां बन जाती हैं. इसी वजह से होता है, क्योंकि उन क्रीम्स में मर्करी होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, वो स्किन के अपर लेयर को डैमेज कर देते हैं और उसके बाद नीचे से छाइयां निकलना शुरू हो जाती हैं. तो ये रिकमेंडेड नहीं है. फेशियल का मतलब है आप क्लेंजिंग कराएं, ठीक है, फेस की, आपका फेस क्लेंज होना चाहिए ना, आपके पोर्स नीट होने चाहिए, तो उसके लिए हाइड्रा फेशियल बेस्ट है. महीने बाद या हफ्ते बाद बाल कटवाने जाते हैं, जो भी, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि हाइड्रा फेशियल आप, क्योंकि देखें हाइड्रा फेशियल ने क्या करना है, हाइड्रेशन देना है. हाइड्रेशन क्यों चाहिए हमें, तक टू अवॉइड रिंकल्स. अब सर्दियां हैं तो सर्दियों में ड्राइनेस बहुत ज्यादा होती है, ड्राइनेस रेडनेस भी हो जाती है. हाँ, ड्राइनेस होगी तो आपकी स्किन पे रिंकल्स, फाइन लाइंस बनना शुरू हो जाएंगे. तो ये ड्राइनेस को ट्रीट करना बहुत जरूरी है, अगर आप नहीं चाहते कि आपको बहुत जल्दी एजिंग साइंस आए. एजिंग साइंस को डायरेक्टली इनडायरेक्टली एजिंग साइंस को ये प्रिवेंट करता है, क्योंकि वो हाइड्रेट करेगा स्किन को, ड्राइनेस नहीं होगी, आपकी स्किन पर लाइंस, फाइन लाइंस या रिंकल्स नहीं बनेंगे. तो हाइड्रेशन का ये पर्पस जबरदस्त. अगर हाइड्रा आप नहीं भी कराते तो भी आप स्किन को मॉइस्चराइज लाजमी करें. वो मॉइस्चराइज कैसे करवाते हैं, मॉइस्चराइजर, क्रीम्स वगैरह? अच्छा ठीक, मॉइस्चराइजर लोशन की फॉर्म में यूज कर सकते हैं. वो डिपेंड करता है आपकी स्किन किस तरह की है. ड्राई है तो आप लोशन की फॉर्म में, जो ऑयल बेस्ड लोशन है उसकी फॉर्म में ले सकते हैं. अगर ऑयली है तो आप क्रीमी या जेल बेस्ड मोड लोशन, सब बहुत खर्चा करवाएंगे यूज कर सकते हैं. अपने आप क्रीम्स और बता दिए ना, ऐसा लग रहा है आधा बजट जो है इसी पे चला गया. बहुत महंगी चीजें ही यूज करें, आप सस्ता मेरी टिकाऊ पे भी रह सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है. सस्ता लेंगे तो क्वालिटी डाउन हो जाएगी, ऐसा भी नहीं होता. सस्ती चीजें भी अच्छी होती है, लेकिन वो आप अच्छी जगह प्रोडक्ट मिल जाती है, प्रोडक्ट मिल जाता है. ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज कर लें. हमारी जिन कंपनी के साथ मैं काम कर रही हूँ, किशमिश ऑर्गेनिक स्किन केयर, वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं हाइड्रेशन के लिए, सीरम्स, क्रीम्स. अच्छा, बहुत कुछ है. अच्छा, उसमें ये है कि अगर आपको ना फायदा नहीं है तो एटलीस्ट नुकसान तो नहीं हो रहा ना, डैमेज तो नहीं कर रही आपकी स्किन. आजकल तो वैसे भी ऑर्गेनिक का बहुत ट्रेंड है, तो आप ऑर्गेनिक की तरफ जाएं और अपने ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें और अपने लोगों का ख्याल रखें. डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आई एम श्योर बहुत सी इंफॉर्मेशन आपसे हमें आज मिली और उसके साथ डिस्काउंट भी मिला है. ठीक है जी सर, थैंक यू सो मच मैडम, बहुत शुक्रिया जी. वेल जनाब, डॉक्टर नाजिश हमारे साथ थी और आपने आज का पॉडकास्ट देखा. इट्स डेफिनेटली वेरी इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट फॉर मी एज वेल एंड आप लोगों के लिए भी. हम इनके जो डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग भी रब्ता कर सकते हैं फिजियोथेरेपी के हवाले से या फिर एस्थेटिक के हवाले से कोई आपके इश्यूज हैं, सो आपको बेहतर तरीके से मुस्तनद डॉक्टर हम रेकमेंड कर रहे हैं. इसी नोट के साथ अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने मेज़बान फरहान खान को दीजिएगा इजाज़त. अल्लाह निगेबान, पाकिस्तान जिंदाबाद.